नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। हिजबुल कमांडर बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद घाटी में तनाव, अलगाववादियों ने बुलाया बंद। पुलवामा और श्रीनगर के कई हिस्सों में लगा कर्फ्यू, रोकी गई अमरनाथ यात्रा। जाकिर नाइक को मिलने वाले चंदे को लेकर आईबी का खुलासा, खुफिया एजेंसियों ने गृह मंत्रालय को पहले भी 3 बार भेजा था अलर्ट, विदेशी चंदे का नफरत फैलाने में इस्तेमाल का है आरोप। दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग से देर रात डरबन पहुंचे पीएम मोदी, ट्रेन से पीटरमैरिट्सबर्ग स्टेशन जाएंगे पीएम। कल मोदी मोदी के नारे से गूंजा था जोहानिसबर्ग, भारतीय समुदाय को संबोधित कर पीएम ने दिया था होप का नारा। भारी बारिश से पानी पानी हुआ भोपाल, कई घरों में घुसा पानी। सतना और रीवा समेत 6 जिलों में हालत खराब, लोगों ने लगाई मदद की गुहार। प्रतिबंधों से बौखलाए उत्तर कोरिया ने फिर किया बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण। दक्षिण अफ्रीका की सुरक्षा को लेकर आमने सामने आए अमेरिका और रूस। विंबलडन में खत्म हुआ नंबर 1 खिलाड़ी रोजर फेडरर का सफर। पुरुष एकल के मुकाबले में कनाडा के टेनिस खिलाड़ी मिलोस राउनिक ने फेडरर को दी शिकस्त, पहली बार विंबलडन के फाइनल में पहुंचे राउनिक। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें, देखते रहिए डीबी लाइव क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।